इंडिया में नहीं खेलूंगा जिंदगी में, मैं लाइफ में कभी जाऊंगा भी नहीं उस शो में, ना खेलूंगा ना मैं जाऊंगा। यही वो चीज जो जजेस को टारगेट करते हैं, कभी उनको मैंने ये बोलते हुए नहीं सुना जब उनका एथलीट गोल्ड मेडल लेके आया, फर्स्ट आया, कि आज कोचिंग जजिंग में चीटिंग हुई है। क्यों भाई, जब आपका एथलीट जीत गया तो सब कुछ ठीक है। आगे कंपटीशन से वापस और इस बार बिल्कुल खाली हाथ, अब एक लॉन्ग कल कुलदीप यादव ने सेरू क्लासिक की जजिंग पैनल से रिलेटेड क्वेश्चन उठाए थे। तो दोस्तों, क्या यहाँ पर मुकेश सिंह गहलोत कुलदीप यादव को रिप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी और को, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड राहुल फिटनेस की तरफ से ब्रेकिंग न्यूज आ रही, उन्होंने मुंबई प्रो शो एंड जजिंग पैनल के विषय में क्या कहा और वो क्यों मना करने की, आज के बाद मैं इस शो में कभी भी पार्टिसिपेट एंड उस शो में नहीं जाने वाला, इनका कंप्लीट वीडियो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार से बॉडी बिल्डिंग की सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपका दोस्त हर्ष पांडे। तो हमारी पहली अपडेट आ रही है अभिषेक यादव की तरफ से। यहाँ पर अभिषेक यादव बताते हैं कि क्यों वो इस शो को हार गए एंड उनका नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है। आगे कंपटीशन से वापस और इस बार बिल्कुल खाली हाथ, पहली बार हुआ है, मतलब पहली बार नहीं बहुत दिनों, मतलब स्टार्टिंग में हुआ था जो कि अब दोबारा रिपीट हुआ है। बहुत अलग सी फीलिंग है कि नॉट इवन टॉप फाइव और पता नहीं फर्स्ट कॉल आउट में भी नहीं थे, ये पहली बार हुआ हमारे साथ। और इस बार इम्प्रूव था लास्ट टाइम से फिजिक, बट अभी जजिस को कुछ और चाहिए। जजिस से बात भी करी लास्ट में, तो उन्होंने बोला कि फ्रंट इज टू गुड, बैक पे काम करना आपको। बट हमने चार मंथ का प्रेप था ये, और उसमें देखेंगे तो इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा सही है, जैसे कि आपने देखा ही होगा थोड़ा बहुत। और वहाँ पे वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे थे, कैमरा होके भी अच्छे से दिखा नहीं पाए हम, क्योंकि अलाउड ही नहीं कर रहे थे स्टेज पे कोई भी फुटेज, तो वो तो चलो ठीक है। और अब एक लॉन्ग ऑफ सीजन लेने का सोचा है, क्योंकि अब ऐसे तो बात बनी ही नहीं, तो एक या दो साल का ही पूरा लॉन्ग ऑफ सीजन होने वाला है, जिसमें गेन ही होगा, क्योंकि अब समझ चुके हैं, क्योंकि पिछली बार हम हार्डनेस लेके गए थे, इस बार साइज लेके गए थे, तो साइज के चक्कर में हमारा बैक का इतना दिखा नहीं मसल, तो हमें हार्ड भी चाहिए और साइज भी चाहिए, तो एक पूरा लॉन्ग ऑफ सीजन जरूरत पड़ेगी उस पर, जिसमें हम डिप्लीट भी हो जब भी हमारा साइज दिखे। बहुत राउंड राउंड मसल वाला ही गेम है, राउंडनेस बहुत ज्यादा जरूरी है अब गेम के अंदर। पहले तो राउंड वाले और बॉडी बिल्डर को हटा देते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। और इसके बाद अभी कोच के पास भी जाएंगे बात करने के लिए कि क्या करना है, कैसे करना है। पर लव एंड सपोर्ट का तो कोई तोड़ ही नहीं है, मेरे को इसलिए और ज्यादा बुरा लगता है कि इतना लोग सपोर्ट करते हैं उसके बाद फिर खाली हाथ आ जाते हैं, वो भी उनका भी मॉरल डाउन हो जाता है मेरे साथ साथ। एंड थैंक यू लव एंड सपोर्ट के लिए। जब लास्ट में फर्स्ट वाले का था, उसमें भी अभिषेक जला रहे हैं, मैंने कहा भाई इतना प्यार, थैंक यू। और बहुत लोगों से मिला, मैं जिन लोगों से मिल नहीं पाया सॉरी, जितने लोगों से मिल पाया मैंने पूरा ट्राई किया। लास्ट में मुंह बिल्कुल सीधा, स्माइल करने की कोशिश पूरी देखी गई होगी। चलो फिर अब आगे कोच से मिलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं, मास्टर जी से मिलते हैं। मास्टर जी के पास आए हैं बाय बाय बोलने के लिए। और आज का अपडेट, यू वर सेइंग समथिंग, आई वाज सेइंग लाइक इफ आई वाज इन योर सिचुएशन व्हाट आई विल थिंक इज आई डोंट थिंक अबाउट विनिंग, like winning my next show, I think about where I should improve first. So I hope that you should improve your back. Yes, obviously back. Last time se to improve hai na. Improve to yeah, it's improved. But it's improved na. Thoda overall people knows it. People knows it. Obviously, those who are watching, you know that Abhi has improved a much. But still, make sure next time you're not coming to winning, that you should dominate, even if the doesn't care about the placing, you should dominate. That's it. But still, this guy, hats off to this guy. हमारी नेक्स्ट अपडेट आ रही लवप्रीत एंड हैरी संधू की तरफ से, उनकी ताइवान प्रोसो की तैयारी कैसे चल रही एंड उससे रिलेटेड वो यहाँ पर कुछ अपडेट देते, तो उसको सुन लेते हैं। नमस्कार, होप यू ऑल डूइंग वेल। सो वी आर टुगेदर हियर डूइंग अ ट्रेनिंग कैंप बाय द मास्टर कोच, बाय द वन एंड ओनली मेरी यू नो हैरी संधू सर। सो लगे यहाँ पे ताइवान प्रो अभी नेक्स्ट वीक खेल रहे हैं लवप्रीत, तो संडे को जाना है यहाँ से लवप्रीत ने, तो अभी आज चार दिन हम लगाएंगे लवप्रीत की ट्रेनिंग, तो काफी 70-80% वर्कआउट हम खत्म कर चुके हैं,
तो अभी लास्ट की दो एक्सरसाइज रहती हैं, तो मैं क्या लवप्रीत को देख के मैं भी काफी मतलब मोटिवेटेड इंस्पायर्ड हो गया हूँ, तो लवप्रीत को लगाया था मैंने साथ में दो सेट, हम भी लगा लेते हैं। तो अभी लवप्रीत लगाएगा अगला सेट अपना। यहाँ पे अभी जो लोग पूछते हैं कई बार पूछते सर टूवर्ड्स द एंड के आप सुपर हैवी लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, इस टाइम पे क्या है क्योंकि 10 दिन है शो को, ठीक है, तो इस टाइम पे मतलब कि कोई एडिशनल मसल मास नहीं ऐड होना है, ठीक है, ये नहीं कि हम कोई बहुत बड़ा कद्दू में तीर मार सकते हैं, लेकिन अभी क्या है कि अभी हम सिर्फ मेंटेनेंस वाला वो वेट लगाते हैं कि जिससे मतलब के इंजरी का चांस हम जीरो रखने की कोशिश करते हैं। ये जो हम जिस स्ट्रेंथ पे अभी लगा रहे हैं ये ऑफ सीजन में नहीं होता है, ये ऑफ सीजन में हम इससे बहुत ज्यादा पुश करते हैं, लेकिन अभी 3 दिन में इंजरी रिस्क लेने की कोई सेंस नहीं बनती, तो हम मॉडरेट से वेट उठा रहे हैं 70-80% इंटेंसिटी पे, तो उसकी वजह से मैं भी उठा पा रहा हूँ। जब लवप्रीत ने नॉर्मल वेट उठाया तो वो मेरे से नहीं उठेंगे, लवप्रीत की वजह से तो मैं इसलिए उठा पा रहा हूँ, ठीक है। एवरीबॉडी इज चैलेंजिंग मी नाउ। हमारी नेक्स्ट अपडेट आ रही मुकेश सिंह गहलोत की तरफ से। यहाँ पर मुकेश सिंह गहलोत इनडायरेक्ट रूप से या फिर डायरेक्ट रूप से किसको रिप्लाई कर रहा है, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, किसी भी कोच के लिए जब उसका एथलीट कंपटीशन के बाद स्टेज से उतर के आता है तो अपने एथलीट को या अपने ऑडियंस को ये बोलना बड़ा आसान है कि आप तो नंबर वन थे, जजेस ने आपको हरा दिया है। देखो, आपने अपने एथलीट को सामने से देखा है, अगर आप उसमें अपनी उस एथलीट की कमियां नहीं देख पा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी एक अच्छे कोच नहीं है, क्योंकि कमियों पर काम करना ही कोच का काम है। और अगर आप एथलीट की कमियों को देख पा रहे हैं उसके बाद अपने ऑडियंस को या अपने एथलीट को बोलते हैं कि तू तो नंबर वन था, जजेज ने तेरे को हरा दिया, तो आपसे बड़ा चीटर कोई भी नहीं है। भैया, जब आपका एथलीट जीत के आए तब भी और हार के आए तब भी आपने उसकी कमियों पे ही काम करना, यही कोच का काम है। यही दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, आगे और बहुत लेवल पार करने एथलीट को। अगर आप उसकी कमियां नहीं देख पा रहे तो यू आर नॉट ए गुड कोच। मैं कभी मैंने अपने किसी एथलीट को वो चाहे जीत के आए तब भी हार के आए तब भी ये मैंने ये कभी नहीं बोला कि जजिंग अनफेयर हुई है। वो यही कारण है कि इतने सालों से लगातार हम चैंपियन दे पा रहे हैं। यही कोचेज जो जजेस को टारगेट करते हैं, कभी उनको मैंने ये बोलते हुए नहीं सुना जब उनका एथलीट गोल्ड मेडल लेके आया फर्स्ट आया कि आज कोचिंग जजिंग में चीटिंग हुई है। क्यों भाई, जब आपका एथलीट जीत गया तो सब कुछ ठीक है, और जिस दिन वो हार गया उस दिन चीटिंग है। क्या आपका एथलीट जीता उस दिन सेकंड वाले को नहीं लगा हुआ चीटिंग होगी? तो अपने आप से फेर रहे हैं। आपको तो सब पता ही है, जो भी कोचेज की बात कर रहा हूँ उनको सब पता होता है अपने एथलीट का वो कहाँ स्टैंड करता है, उसकी कमियों पे काम करें, जजेस को रिस्पॉन्सिबल ना ठहराएं। कभी कभार कोई 19 भी हो भी जाता है, जजेस भी ह्यूमन बींग है, कोई छोटी मोटी बहुत रेयर उसमें अगर हो भी गया तब भी एक्सेप्ट करें हार को। अगर आप हार को एक्सेप्ट करेंगे ना तो आपका एथलीट बहुत टॉप हो जाएगा। थैंक यू। हमारी नेक्स्ट अपडेट आ रही आप सभी के फेवरेट बॉडी बिल्डर राहुल फिटनेस की तरफ से। उन्होंने यहाँ पर मुंबई प्रो शो जजिंग पैनल एंड अपने नेक्स्ट शो के विषय में यहाँ पर आपको कंप्लीट अपडेट दे, तो आप लोग इसको सुन लीजिए। एंड जो जो भी राहुल फिटनेस को सपोर्ट करना चाहता है वो कमेंट बॉक्स में राहुल फिटनेस के आगे दिल का निशान जरूर बना के कमेंट करे। और आप लोगों को आगे भी इसी प्रकार से बॉडी बिल्डिंग की सबसे पहले अपडेट चाहिए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा। परमात्मा सब देख रहा है मेरे भाई, इतना भी मत करो यार कि उसको खुद नीचे उतर के आना पड़ जाए इंसाफ दिलाने के लिए। कैसे नींद आ जाती है भाई ऐसे लोगों को यार। साला हम तो किसी का अगर भाई अगर किसी को हमने गलत वर्ड भी बोल दिया ना, अगर किसी का हमने नुकसान कर दिया 10 रुपये ले लिए ना, तो यार पूरी रात सो नहीं पाते कसम से कि यार भाई ये क्या हो गया मेरे से। लोग पता नहीं कैसे कर लेते यार भाई, हिम्मत है कसम से यार। तो मेरे कोच साहब जो कुलदीप भैया, उन्होंने बोला कि अभी आप कार्ब खाओ, कोई बात नहीं, एक दो दिन में हम लोग तैयारी स्टार्ट करेंगे, बाहर जाएंगे, लेकिन मैं इंडिया में नहीं खेलूंगा जिंदगी में, मैं लाइफ में कभी जाऊंगा भी नहीं उस शो में, ना खेलूंगा ना मैं जाऊंगा। 9th प्लेस यार भाई, क्या सोच के, कम से कम कंडीशन देखो आप जाओ यार भाई, चीजों को देखो पहले। चलो पोजिंग मान ली थोड़ा खराब, पोजिंग तो फिर भी थोड़ी ठीक थी यार, इस बार आर्म्स का साइज बड़ा लग रहा है यार। तो भाई शोल्डर भी तो बड़ा है यार, काफ भी तो बड़े दिख रहे हैं मेरे, थाई भी तो बड़ी दिख रही है मेरी, बैक भी तो बड़ी दिख रही है, मेरे चेस्ट भी तो बड़ी दिख रही है, मेरे ऑब्लिक्स में तो पूरे बड़े अच्छे दिख रहे हैं आर्म्स। वाह यार मेरे भाई वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं हम लोग। ऑटो से लेके आज तक का सफर मैंने तय किया है सिर्फ मेहनत के दम पे, ठीक है, इतनी जल्दी गिरने वाला नहीं हूँ। तुम नहीं दोगे तो क्या हो गया मेरे भाई, बाहर जाके लेके आऊंगा यार, फिर क्या जवाब होगा तुम्हारे पास कि आर्म्स बड़े थे, फिर क्या करोगे, क्या बोलोगे आप लोगों को।
कुलदीप भैया ने तो कोचिंग बंद कर दिया है। कुलदीप भैया आप कोचिंग नहीं कराएंगे किसी को भी, सिर्फ दो तीन लड़के हैं वो भी रिक्वेस्ट करने पे अगर करा दे तो, नहीं तो भाई नहीं कराएंगे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ना मैं किसी को बदनाम कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि जजिंग के भाई, मतलब जब जजिंग हुई ना आप देखो कैसी हुई है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं यार, आप लोग खुद ही बोल रहे हो। मेरे को मैसेज आया था लोगों का, ठीक है, मेरे कोच साहब का भी, मेरे को लगा कि यार बोलना चाहिए क्योंकि चुप रहना भी कोई हल नहीं है, ठीक है, बोलना पड़ेगा। आज मेरे साथ हुआ, कल वो किसी और के साथ होगा, होगा ना मेरा भाई, तो इसलिए इंडिया खेलेंगे ही नहीं यार, और क्या करेंगे, बाहर जाके खेलेंगे, बाहर क्या शो की कमी है। इंडियन तो ऐसे कभी जाएगा ही नहीं भाई, आप लिख के ले लो, इंडिया में चाहे लाख शो हो जाए मेरे भाई, एक भी इंडियन है ना ओलंपिया नहीं जा सकता, लिखवा के ले लो आप मेरे से। हाँ, एक लाख बार लिख के दे दूंगा मैं, इंडिया से कोई भी नहीं जाएगा। कंप्लेंट कहाँ करी मैंने भाई, मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा, मैं तो बस बता रहा हूँ कि किसी चीज में कमी लगी है भाई, आप बताओ। आपने वीडियो भी देखी होगी, सारी चीज देखी होगी। आज मैं मंदिर से आया हूँ बाबा के पास से, तो मुझे लगा बोलना चाहिए भाई, बोल रहा हूँ, कब तक चुप रहूँगा यार भाई। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दुखता है भाई, मेरा भी दिल दुखता है। देखो मेरे को आप गाली दो, कुछ भी बोलो भाई, जो मेरे दिल में था मैंने बोल दिया, ठीक है, और मन में रखने वाली चीज़ नहीं थी और वो चीज़ मैंने यहाँ बोल दी है। हाँ, आर्म्स का रूल निकला है, ठीक है, आर्म्स मेरे बड़े थे, मानता हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन और भी चीज़ तो कंपेयर करोगे ना, ऑब्लिक्स कहाँ चले गए, मेरे काफ कहाँ गए मेरे, उसके बाद मेरी थाई कहाँ गई, मेरे एब्स किधर चले गए भाई, मेरे ऑब्लिक्स कहाँ चले गए, मेरी चेस्ट, मेरी शोल्डर कहाँ चले गए। सिर्फ आर्म्स की, आर्म्स मतलब बड़ा है तो मेरा काम हो गया, और वो भी नोवी प्लेस आ गई, वाह, ठीक है, रूल है, मैं मानता हूँ सारी चीज़ों को, लेकिन और भी तो चीज़ें थी भाई मेरी बॉडी में, सिर्फ एक आर्म्स ही तोड़ी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या उनके ऊपर मेरे को नंबर नहीं मिल सकते, उनके ऊपर मार्किंग नहीं हो सकती थी? कोई नहीं, अब दे दी भाई, अब क्या करें, मेरे को अकेले को थोड़ी दिया है, बहुत सारे एथलीट है जिनको ये प्लेस मिली है। अभी ये है कि बाहर जाके खेलना भाई, ऑप्शन ही नहीं है कोई, अब इंडिया में खेलना बंद करेंगे भाई, ठीक है, बाहर जाके खेलेंगे। चलो आप लोग अपना ध्यान रखो मेरे भाई, मैं अब रेस्ट करूँगा।